क्या होता अगर करण जौहर केजीएफ 2 को डायरेक्ट करते? एक्शन सीन की जगह किसको तरजीह दी जाती? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड रैट स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। KGF 2 एक ऐसी फिल्म है जिसका इंतजार दुनिया के 90% लोग कर रहे हैं। इसकी हाइप होने की वजह से ही इसकी राइट्स को करोड़ों में बेचा और खरीदा गया है, क्योंकि ये एक्शन फिल्म है, राजनीतिक लड़ाई पर आधारित है। लेकिन कभी सोचा है अगर इसे डायरेक्टर प्रशांत नील ना होकर करण जौहर होते तो क्या होता? तब ये एक्शन नहीं रोमांटिक मूवी बन जाती, जहां लड़ाई सोने की खदान को लेकर हुई है, वहीं फिर लड़ाई लड़की को लेकर होती, क्योंकि करण जौहर रोमांटिक फिल्में बनाने के लिए फेमस है और प्रशांत नील एक्शन को स्क्रीन पर उतारने में माहिर। लेकिन अब आप सोचेंगे हमने इतनी डायरेक्टर में से सिर्फ करण जौहर को ही क्यों चुना? तो जैसा हमने पहले बताया है कि प्रशांत नील एक्शन पर ज्यादा जोर देते हैं, उनकी कहानी का जो बेस है वो एक्शन सीन होता है। लेकिन हमारे करण जौहर जिनका बेस प्यार इश्क मोहब्बत होता है, किसी एक्शन फिल्म की कहानी को भी करण एक रोमांस का रूप दे सकते हैं, यकीन नहीं होता ना? तो चलिए आज कुछ ऐसा करके देख लेते हैं जिसमें KGF 2 को करण जौहर डायरेक्ट करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं इन दोनों डायरेक्टर की अदला बदली, जिसमें कहानी डायलॉग किरदार सब वही रहेंगे, बदलेगा तो सिर्फ डायरेक्टर और उसका अंदाज। तो सोचिए अगर ऐसा होता कि KGF 2 में एक्शन सीन तो नाम के होते, लड़ाई होती प्यार की और प्यार के लिए, जैसे कुछ कुछ होता है में सलमान और शाहरुख में काजोल को लेकर हुई थी, वो भी कोई लड़ाई थी भला, इमोशनल ड्रामा था। लड़ाई देखनी है तो KGF देखो। तो अगर KGF 2 को करण डायरेक्ट करते तो इसमें यश अधीरा को कहते, अधीरा कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। लेकिन इस पर अधीरा क्या कहते सोचिए सोचिए, चलिए हम ही बता देते हैं। इस पर अधीरा कहते, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना। तो सुना आपने, ये फिल्म भी फनी हो सकती है, बस एक डायरेक्टर बदलने की जरूरत है। इसके बाद KGF 2 फिर एक्शन नहीं रोमांटिक थ्रिलर बन जाती, जिसमें यश रोमांस ज्यादा और एक्शन तो करते दिखाई ही नहीं देते। तो चलिए अब वापस KGF 2 पर आ जाते हैं, जिसे प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया, जिसमें यश और संजय दत्त के साथ रवीना टंडन नजर आने वाली है। तो आज की थोड़ी अलग और अजीब वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए और खुश रहिए।